eat out. Eat out means to eat a meal outside for one's home. घर से बाहर खाना खाना as at a restaurant. कहीं बाहर restaurant, hotel वगैरह में the meal can be specified between eat and out. जब आप ये sentence बनाएंगे eat out को use करेंगे तो जो भी dish, जो भी आपने खाना खाया है वो sometime कभी कभी eat और out के दरमियान में आ जाता है और कभी eat और out के बाद में आप mention करेंगे. For example, let's eat out tonight. आज बाहर खाना खाते हैं. I don't feel like cooking. मेरा खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा. जब आप past के लिए use करेंगे तो at out use करेंगे. We can't eat lunch out. अब यहाँ पर lunch eat और out के दरमियान में आ गया है. We can't eat lunch out every single day. Do you know how much that would cost? हम हर एक दिन तो बाहर खाना नहीं खा सकते. क्या आप जानते हो कि इस पर कितना खर्चा आएगा? So eat और out के दरमियान में lunch आ गया. Look at another example. Let's go for an outing. चलो बाहर घूमने चलते हैं. And eat dinner out today. और आज रात खाना बाहर खाएंगे. Eat dinner out. रात का खाना सेंटर में आ गया. Don't eat lunch out today. आज दोपहर का खाना बाहर मत खाना. I'm making your favorite dish for lunch. मैं आज दोपहर के खाने के लिए आपकी बेहतरीन डिश, पसंदीदा डिश बना रही हूँ. Eat out को हम अक्सर criticize के लिए भी use करते हैं. Eat out को हम अक्सर criticize के लिए भी use करते हैं. To criticize one harshly. किसी पर बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद करना. In this usage, a noun or pronoun can be used between eat and out. जब आप इसे तनकीद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन जो है ईट और आउट के दरमियान में आएगा. यानी जिस पर आप तनकीद कर रहे हो उस शख्स का नाम या प्रोनाउन ईट और आउट के दरमियान में आ जाएगा. लुक एट एग्जाम्पल. द टीचर विल ईट यू आउट. टीचर तो तुम्हें खा जाएंगी. इफ़ यू कम इन विदाउट योर होमवर्क अगेन टूडे. अगर तुम आज भी बगैर होमवर्क के अंदर आए. तो यहाँ पर ईट यू आउट यूज हुआ है. यू सेंटर में इसलिए आया है कि आप जिस पर तनकीद कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो. तो ईट आउट वैसे तो इस्तेमाल होता है बाहर खाना खाने के लिए, लेकिन ईट आउट सम टाइम क्रिटिसाइज के लिए भी यूज होता है. सो नाउ मेक सम सेंटेंसेस, शेयर विद अस इन कमेंट बॉक्स. कीप स्टेइंग विद अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.